कि जीवन का लक्ष्य सुख की प्राप्ति है, किंतु सुख की प्राप्ति यदि जीवन का लक्ष्य है तो फिर मनुष्य पशु से कुछ भिन्न नहीं है। पशु के जीवन में भी सुख की प्राप्ति लक्ष्य रहता है, किसी भी पशु पक्षी को देख लो, सुख के लिए प्रयत्नशील है, दुख से बचना चाहता है, इतना मात्र मनुष्य में और पशु में समान। सुख की प्राप्ति, दुख से बचना, यदि यही जीवन का लक्ष्य मान लिया जाए जैसा कि हम सबका रहता है, तो मूल रूप से हम पशु से बहुत भिन्न नहीं, बहुत भिन्न क्या नहीं है, बिल्कुल ही भिन्न नहीं। इसलिए जीवन का लक्ष्य सुख की प्राप्ति, दुख का निवारण नहीं है। जीवन का लक्ष्य सुख और दुख में सम रहना है। बड़ा अंतर पड़ जाता है। जैसे ही हमारे जीवन का लक्ष्य यह हो जाता है कि हम सुख और दुख में समभाव रह सके, वैसे ही जीवन की दिशा बदल जाती है। जिधर हमारा मुंह है उधर पीठ हो जाती है, जिधर पीठ है उधर मुंह हो जाता है। अगर हमने यह समझ रखा है कि जीवन में सुख प्राप्त करना है तो हम सुख के पीछे भाग रहे थे, जैसे ही हमारा लक्ष्य यह हो जाता है कि हमें सुख और दुख में समान रहना है, वैसे ही हमारा मुख पदार्थ की अपेक्षा आत्मा की ओर हो जाता है, चेतना की ओर हो जाता है। पदार्थ में समता नहीं है, पदार्थ में उथल पुथल है, ऊपर नीचे आना जाना है, इसलिए पदार्थ की तरफ मुख रहेगा तो जीवन में उथल पुथल रहेगी, आंदोलन रहेगा, ऊपर नीचे आना जाना बना रहेगा। लेकिन अगर पदार्थ से विमुख होकर चेतना की ओर मुख हो गया तो चेतना में परिवर्तन नहीं होता, चेतना में उथल पुथल नहीं होती, जीवन में भी उथल पुथल नहीं रहेगी। उथल पुथल का ना रहना ही शांति कहलाता है। अर्जुन ने कहा था मुझे इस सुख से कोई प्रयोजन नहीं है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण ने कहा कि अरे अर्जुन, तू तो बड़ी बुद्धिमत्ता की बात कर रहा है, सुख से कोई प्रयोजन नहीं है तुझे। नहीं, सुख से प्रयोजन रखना भी साधना से च्युत हो जाना है, सुख से विमुख हो जाना भी साधना से च्युत हो जाना है। सुख से कोई संबंध है ही नहीं, यह साधना है। तो अर्जुन गलत समझ रहा था जब वो ये कह रहा था मुझे सुख नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कृष्ण ने बड़ा भारी उसको उलाना दिया, अरे अर्जुन तू तो बड़े बुद्धिमानों जैसी बात कर रहा है, प्रज्ञावादांश के भाषों से, कितना त्याग है तेरा, राज्य को छोड़ने के लिए तैयार है। गलत समझा जा रहा है, अर्जुन गलत समझ रहा है, गलत यह समझ रहा है कि सुख और दुख आत्मा को होते हैं। सुख को छोड़ दूं, ये प्रश्न तब आता है जब सुख और दुख मुझे होते हो, सुख और दुख मुझे स्पर्श ही नहीं करते
तो क्या छोड़ना और क्या ना छोड़ना, इस बात को समझे आप। तो तू बात तो बुद्धिमानों जैसी कर रहा है लेकिन अज्ञान में जी रहा है, ये समझ रहा है कि सुख मुझे मिलता है, मैं सुख को नहीं लूंगा। और इसलिए तुझे ये लग रहा है, इस अज्ञान के कारण तुझे ये लग रहा है कि अगर युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा। लेकिन 2:38 है, इस पर शायद अभी लिखने में नहीं आया, आया है 2:38, जय पराजय लाभ हानि तथा सुख दुख को समझ कर युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ, इस प्रकार युद्ध करने में तुम्हें पाप नहीं लगेगा। ये समाधान दिया। अर्जुन पाप से ही तो डर रहा था, युद्ध करेगा पाप नहीं लगेगा, क्योंकि कर्म आत्मा को स्पर्श नहीं करते, कर्तृत्व आत्मा में नहीं है, आत्मा के पास हाथ पैर नहीं है, कर्मेंद्रिया नहीं है कि आत्मा कुछ कर सके, आत्मा के पास ज्ञानेंद्रिया नहीं है कि आत्मा कुछ भोग सके। आंख से स्पर्श, आंख से मुख को भोगेगा ना, आंख ही नहीं चेतना के पास, नाक से सूंघेगा ना, नाक ही नहीं। तो ज्ञानेंद्रियों से भोग होता है, कर्मेंद्रियों से कर्म होता है, बड़े दो चीजें लिखी, भोग और कर्म। ये जो भोग और कर्म है इसका एक चांडाल चौकड़ी बनी हुई है, मैं उसे चांडाल चौकड़ी कहता हूं। चांडाल चौकड़ी ये है, एक सुख है, सुख गलत आ गया, इसको हटा दो, एक सुख है एक दुख है, एक पुण्य है एक पाप है, ये चार चीजें हैं। और इन चार चीजों को मैं चांडाल चौकड़ी कहता हूं, अर्थात मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, मैं बुरे कर्म करूंगा तो मुझे दुख मिलेगा। इस चांडाल चौकड़ी में हमारा सारा जीवन बीत जाता है। चांडाल चौकड़ी ये इसलिए है कि जब तक हम इस चांडाल चौकड़ी में जीवित रहते हैं तब तक हम अपनी समझ में सही अच्छा कर्म करते हैं सुख मिलता है, ये स्वर्ग है, बुरा कर्म करते हैं दुख मिलता है, ये नरक है, मोक्ष कहाँ है? अरे स्वर्ग, अच्छा काम किया तो सुख मिल गया, स्वर्ग नहीं मानो कोई बात नहीं, अच्छा कर्म किया सुख मिल गया, बुरा कर्म किया दुख मिल गया, आवागमन के चक्र से छुटकारा कहां हुआ? इसलिए इसको मैं चांडाल चौकड़ी कहता हूं, ये शब्द मैंने घर लिया है। चांडाल उसे कहते हैं जो कुत्ते को भी मारकर उसका मांस भी खा ले, चांडाल का ये तरीका है। वो शुद्ध नहीं होता चांडाल, वो शुद्ध से नीचे होता है, कुत्ते का मांस खा जाता है मार। इस चांडाल चौकड़ी ने हमारा मांस खा लिया है, 84 लाख योनियों में घूमते हुए हम इसी चक्र में पड़े रहे, क्या करूं कि सुख मिल जाए, क्या करूं क्या न करूं
कि दुख न मिले और इस आवागमन के चक्र से छुटकारे का उपाय क्या है? बड़ा सीधा स्टैंडर्ड चौकी से बाहर जाने का उपाय बड़ा सीधा है और वो ये है कि सुख और दुख मेरे हैं ही नहीं, पाप और पुण्य मेरे हैं ही नहीं, न मैं भोगता हूँ न मैं करता हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ भैया इसको ध्यान से सुनना, गीता का सारांश आ रहा है। हाँ ये सब एक एक, एक श्लोक को जो मैं बोलता चलूंगा वो पूरा मक्खन है, नवनीत है। चित्त एकाग्र करें, ध्यान से सुने। पाप और पुण्य के करने वाला मैं नहीं, करने वाला कौन है? प्रकृति। मैं प्रकृति नहीं। ये मैटेरियलिज्म जो शब्द अपन बार बार बोलते रहते हैं वो मैटेरियलिज्म का यही अर्थ है। कर्म को करने वाला मैं हूं ऐसा समझना ये मैटेरियलिज्म है, क्योंकि वस्तुतः कर्म को करने वाला करने वाली करने वाला मैटर है। सुख और दुख को मैं भोग रहा हूं ये समझना अज्ञान है। सुख और दुख को प्रकृति भोग रही है, न मैं करता हूं न मैं भोगता। ये समझने पर न पाप और पुण्य मुझे छूते हैं, न सुख और दुख मुझे छूते हैं, न नरक और स्वर्ग मेरे लिए है। इहे विलीयन्ते, ये मुक्ति है। कहीं जाना नहीं, क्योंकि सुख और दुख भोगने के लिए जाना पड़ता है। सुख और दुख में भोगता नहीं, इस ज्ञान से ये बात ही छूट जाती है कि मुझे कहीं सुख और दुख भोगने के लिए कुछ करना है। ये बात ही छूट जाती है कि मैं क्या करूं क्या न करूं। ये सारा विवेचन पूर्व मीमांसा है, यानी पूर्व मीमांसा का अर्थ ये सारा का सारा विचार वेद का विचार है। आप कहेंगे बड़ी अजीब बात है, इसे आप वेद बतला रहे हैं जिसे मैं चांदाल चौकी बतला रहा हूं। हाँ, क्योंकि यह वेद में बताया गया जो त्रिगुण है सत्व रजस तमस उसी की दुनिया है। ये वेद नहीं है, ये क्या है? वेदवाद। हाँ, वेदांत। हाँ, ये वेदांत है, वेद नहीं है। ये सुख दुख पुण्य पाप ये वेद है, न भोगता हूं न करता हूं, ये वेदांत। वेद से बाहर आ गए, वेद से अलग चले गए। वेद से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वेदांत से व्यक्ति मुक्त। ये चतुर्थ पुरुषार्थ है मोक्ष। दो 25 पढ़ रहा हूं, हिंदी हिंदी पढ़ हुआ। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये पदार्थ सुखी दुखी नहीं करते वह अमर हो जाता है। ये मोक्ष, ये मैंने 2:15 पढ़ा है। हे अर्जुन, वेदों का विषय त्रिगुणात्मक है, ध्यान करें। जो मैंने अभी कहा वो पढ़ रहा हूं गीता से। तू त्रिगुणों से अतीत निर्द्वंद नित्य सत्व स्थित तथा योग क्षेम की इच्छा से रहे। योग क्षेम मन सुख, मुझे ये मिल जाए और जो मिला हुआ है वो सुरक्षित रहे, इसको योगक्षेम कहते हैं। शब्द का ध्यान करें, योगक्षेम से रहित। योगक्षेम से रहित कब होगा? उदाहरण दिया, आत्मवान बन, अपनी आत्मा को पहचान, तेरे में ये इच्छा समाप्त हो जाए। जिसका मन, फिर गीता पढ़ रहा हूं, एक एक पर्ची पर गीता का ये एक श्लोक है। जिसका मन
समता में स्थित हो गया, यानी जिसके लिए सुख दुख बराबर हो गया, उनके द्वारा संसार में ही रहते हुए संसार को जीत लिया गया। अनुवाद है तो जरा हिंदी अटपटी लग रही है, जो कि फिर इंपॉर्टेंट बात है, ब्रह्म सम है। ब्रह्म का लक्षण उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता, इसलिए जो समता में स्थित हो गया वह ब्रह्म में स्थित हो गया। आपने सुना होगा कई महात्माओं के नाम के साथ लगा रहता है ब्रह्मनिष्ठ महात्मा सो एंड सो। ये ब्रह्मनिष्ठ कौन है जो समता में स्थित हो गया? वो ब्रह्म में निष्ठ क्यों हो गया? क्योंकि ब्रह्म में भी समता है, ब्रह्म विचलित नहीं होता है, संसार को जन्म भी दे देता है, ईश्वर पालन भी करता है, नष्ट भी करता है। जन्म देने में उसे खुशी नहीं है, मारने में उसे दुख नहीं है, समता में स्थित है। जो समता में स्थित हो गया वो ब्रह्मनिष्ठ हो गया। फिर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सुने, विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग वस्तुतः दुख के ही हेतु है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये भोग है। पांच ज्ञानेंद्रियों से होता है, कान से शब्द हो रहा है, आंख से रूप है, नासिका से गंध है, जिह्वा से रस है, हाथ से स्पर्श है, त्वचा से स्पर्श है, ये सब दुख के हेतु। अरे दुख के हेतु कहां से हो गए? सादी सांग अर्थात अनित्य, क्योंकि ये आते हैं और जाते हैं, उन भोगों में विवेकी मनुष्य नहीं रमता। हम उस चीज की खोज में हैं जो खोज नित्य है, हम उस चीज की खोज में नहीं है जो अनित्य है। अनित्य की खोज में कर्म कांड रहता है, नित्य की खोज में कर्म योगी रहता है। समझे क्या कह रहा हूं मैं? कर्म कांड और कर्म योगी दो का अंतर है। कर्म कांड उन सुखों को खोज रहा है जो आते हैं और चले जाते हैं, कर्म योगी उस सुख की खोज कर रहा है जो सदा से है, सदा रहेगा। बाहरी विषयों में आसक्ति रहित जो आत्मा के आनंद को प्राप्त कर लेता है, सुख नहीं है भाई, आनंद है, वह ब्रह्म से तादात्म्य भाव प्राप्त कर लेने वाला अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये मैंने एक खंड पूरा कर दिया भोग, अब मैं कर्म पर आया, क्योंकि भोग का साधन कर्म है। कर्म के लिए हमें क्या करना उसको देखते हैं। अगर सुख चाहिए ही नहीं तो फिर कर्म क्यों किया जाए? यह प्रश्न खड़ा हो गया। अगर सुख मेरा होता ही नहीं है तो मुझे क्या जरूरत पड़े कर्म करने की? भगवान उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये प्रश्न का उत्तर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये सत्य है कि कर्म हमें नहीं छूता, भोग हमें नहीं छूता, के ये भी सत्य है कि हम कर्म के बिना नहीं रह सकते। कर्म के बिना हम नहीं रह सकते माने हम में कर्म नहीं है, लेकिन हमारा शरीर मन बुद्धि जो प्रकृति है वो कर्म के बिना रह नहीं सकती। एक क्षण के क्षण तिष्ठत्य कर्म कृत, एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के रह नहीं सकती। तो फिर कैसे निर्णय लिया जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए? अपने धर्म को, स्वधर्म को पहचाना जाए, अर्थात मुझे किस कर्म में अपने आप को मैनिफेस्ट करने का, अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। अर्जुन को
उसका स्वधर्म क्षत्रिय धर्म है, सारे जीवन उसने शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की है, इस युद्ध के समय में अगर वो शस्त्र की शिक्षा काम नहीं आएगी तो कब काम आएगी। उसका सारा ढांचा एक सैनिक का ढांचा है, योद्धा का ढांचा है। अपने क्षात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। 231 है लिखा हुआ है, अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका यह अर्थ हुआ कि जिसकी प्रकृति क्षत्रिय की प्रकृति है, वो जब तक उस अपनी प्रकृति को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं देगा, तब तक भुगता रहेगा जीवन। जिसकी प्रकृति व्यापार की है, व्यापार के द्वारा उस प्रकृति का उपयोग नहीं करेगा, वो भुगता रहेगा। अपनी प्रकृति को पहचानना है और उस प्रकृति के अनुसार प्रकृति को अपना काम करने देना है। मैं नहीं करूंगा, मैं बाधा नहीं डालूंगा प्रकृति के काम में। युद्ध का अवसर है, अर्जुन आकर खड़ा हो गया है, लभन्ते युद्धम ईदृशम सुखिन क्षत्रिया पार्थ। बड़ी मुश्किल से वो अवसर आता है क्षत्रिय के लिए कि युद्ध में अपना शास्त्र का कौशल दिखा सके। इस अवसर को तूने टूट गया तो हमेशा पछताता रहेगा, मेरे शास्त्र का ज्ञान शस्त्र का ज्ञान काम नहीं आया, अवसर मिला था। प्रश्न होगा कि अगर यही स्थिति है, कर्म के बिना हम रह नहीं सकते हैं, अपनी प्रकृति के अनुकूल कर्म से भागकर कुंठित हो जाएंगे, तो फिर कर्म का उद्देश्य क्या है? हमने देखा सुख तो उद्देश्य है नहीं, तो कर्म का उद्देश्य क्या है? ध्यान करें, कर्म का उद्देश्य है यज्ञ, और यज्ञ का अर्थ है मेरे लिए कुछ नहीं, जो कुछ है सबके लिए। प्राणी मात्र का कल्याण, हर व्यक्ति जो भी काम करता है उसमें दो पक्ष रहते हैं, एक मैं अध्यापक की तरह पढ़ाने वाला और एक मेरा छात्र मेरे से पढ़ने वाला। मेरा लक्ष्य अगर छात्र का ज्ञान बढ़ाना है, पैसा कमाना नहीं है, तो यह यज्ञ हो गया। अगर मेरा लक्ष्य पैसा कमाना है, छात्र का जो होश हो मुझे उसकी चिंता नहीं है, तो ये पाप हो गया। व्यापारी जो उसके पास ग्राहक आया है, उस ग्राहक का उचित तरह से उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, ये हो गया, तो व्यापार यज्ञ हो गया। ये जो ग्राहक आया है इससे अधिक लाभ मैं उठा लूं, तो पाप हुआ। यज्ञ के लिए कर्मों के अतिरिक्त कर्मों में लगा हुआ मनुष्य कर्म बंधन में पड़ जाता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति को छोड़कर तुम यज्ञ के लिए ही कर्म करो। कर्म हमेशा दोगे करने वाला, एक जिस जो सामने बैठा है उसके लिए। सैनिक के सामने कौन है? देश, देश की रक्षा, देश की रक्षा के लिए लड़ रहा है। ये बात दूसरी है कि तनख्वाह उसे भी मिल रही है, ये बात दूसरी है कि लाभ व्यापारी को भी हो रहा है, लेकिन वो लाभ वो वेतन वो मेरा मोटिवेशन नहीं है। इस फर्क को समझ लें, मोटिवेशन है देश की रक्षा, मोटिवेशन है ग्राहक को, ग्राहक की आवश्यकता की व्यापारी के लिए अधिक से अधिक संभव ढंग से उसकी आवश्यकता की पूर्ति।
अध्यापक के लिए अधिक से अधिक विद्यार्थी को ज्ञान दे देना लक्ष्य ये है. तनख्वाह नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है, लेकिन तनख्वाह लक्ष्य लक्ष्य बदल गया, कर्म यज्ञ में बदल गया. यज्ञ करने वाले को पाप नहीं लगता, लेकिन यज्ञ के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वो पाप का भागी बनता है. गीता पढ़ रहा हूं, यज्ञ से शेष बचे हुए को भोगने वाला सब पापों से छूट जाता है. अध्यापक हूं, विद्यार्थी को ज्ञान दे दिया, बच क्या गया? ज्ञान विद्यार्थी को दिया, जो उससे बच गया है, जो यज्ञ शेष है वो मेरा वेतन है, उसे भोग रहा हूं तो पाप नहीं लगेगा. मोटे शब्दों में अपना कर्तव्य पालन करते हुए बदले में जो मुझे मिलता है वो यज्ञ शेष है. अपने कर्तव्य को पालन किए बिना जो मैं छीना झपटी करता हूं वो पाप. यज्ञ से शेष बचे हुए, पुरानी भाषा है, यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाला सब पापों से छूट जाता है. मैंने तनख्वाह खाने से अन्न शब्द कह लिया, ज्यादा व्यापक है. किंतु जो पापी अपने लिए ही भोजन बनाते हैं वे मानो पाप का ही भोग करते हैं. जो व्यापारी लाभ के लिए अपने लाभ के लिए व्यापारी कर रहा है वो उसको जो फायदा हो रहा है वो फायदा नहीं है, वो पाप है. जो कर्मचारी अपने कर्तव्य से किसको क्या लाभ होना है उसकी अपेक्षा मुझे क्या लाभ हो जाएगा ये समझ रहा है वो पाप का भोग कर रहा है. गीता है स्पष्ट. तो अपने को तो कुछ चाहिए ही नहीं, फिर किस लिए कर रहा हूं? दूसरों के लिए कर रहा हूं, यज्ञ कर रहा हूं. यज्ञ में पाप नहीं होगा. मेरी और आपकी बात छोड़ दे, कृष्ण किस लिए कर रहे हैं? हे अर्जुन, मेरे लिए तीनों लोगों में कुछ भी करने योग्य नहीं है. ये बात कृष्ण की नहीं है, मेरी और आप सबकी है. जिसे जिसे ज्ञान हो गया उसे कुछ करना शेष इस अर्थ में नहीं रहा कि सुख उसका मोटिवेशन है ही नहीं. न मुझे कुछ प्राप्त करना है न मुझे प्राप्त है, तथापि मैं कर्म करता ही रहूंगा, क्योंकि कर्म के बिना लोक की स्थिति नहीं हो सकती, समाज नहीं बना रह सकता. अगर सारे के सारे सिर मुंडवा के भगवा कपड़ा पहन के हिमालय चले जावे और कहें हम कर्म नहीं करेंगे तो समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा. समाज के लिए आवश्यक है कि हम कुछ करें. कहते हैं भाई करेंगे तो मैं बोल भी रहा हूं तो जीव मर रहे हैं. सर मर रहे नहीं मर रहे हैं? कुछ होंगे ना छोटे परमाणु, तभी तो जैन साधु मुक्त प्रति वाले कि बोलने से किसी की हिंसा न हो जाए. फिर हिंसा से बचेगा कैसे? जिसने अंतःकरण को वश में कर लिया, सब परिग्रहों को छोड़ दिया और जो कोई आशा नहीं रखता वह केवल शारीरिक कर्म करते हुए पाप को प्राप्त नहीं होता. पाप से बचने का उपाय बता रहा भैया, कर्म करोगे पाप नहीं लगेगा, तरीका बतला रहा है. जो कर्ता आसक्ति को छोड़कर, ये कहा ना कर्ता नहीं है, अहंकार रहित भाव से आएगा, भी और अहंकार की भी चर्चा करेंगे. अग्रवाल जी कुछ ध्यान करें थोड़ा सा, ये तीन शब्द बतला रहा हूं मैं. आप इस विषय पर लेक्चर देते रहते हैं इसलिए काम के आपके. जो कर्ता आसक्ति को छोड़ के अहंकार रहित भाव से धैर्य और उत्साह पूर्वक सफलता और असफलता में निर्विकार रहता है वह सात्विक करता है. सर सारा मामला आ रहा है एक एक श्लोक में. शर्तें दे दी, कंडीशन दे दी काम करने वाले के लिए. आसक्ति छोड़े फल की आसक्ति, अहंकार छोड़े मैंने किया, ये अहंकार छोड़े
धीरज रखें, उत्साह से करें, सफलता और असफलता में समभाव रखें, यह सात्विकता का लक्षण है। कुछ पत्रियां छोड़ भी रहा हूं, 5-7 मिनट आज हम लोग लेट चालू हुए तो कुछ पर्चियां छोड़नी पड़ गई। मैं भोग की चर्चा कर चुका, कर्म की चर्चा कर चुका, अब ज्ञान की चर्चा करें, क्योंकि ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। रिते ज्ञानार्थम मुक्ति। ज्ञान का अर्थ है अपने स्वरूप को पहचानना। 2:25 है, यह आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखता, पहली बात, चिंतन का विषय नहीं है, दूसरी बात, और निर्विकार रहता है, यह तीसरी बात। जो आत्मा को इस प्रकार जान लेता है वह शोक से मुक्त हो जाता है। ये ज्ञान चालू हुआ भाई, भोग आ गया, कर्म आ गया, ज्ञान चालू हुआ। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर ममता और अहंकार से रहित होकर निष्प्रय भाव से जीवन यापन करता है वही शांति को प्राप्त होता है। ये न होगा तो अशांति बनी ही रहेगी। ही शब्द लगा दिया, ये मैंने गीता का शब्दानुवाद पढ़कर सुना रहा हूं आपको। हाँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं लिखा मैंने। तीन दो दो 71 रहेंगे, 3:18 आप लिखेंगे, मैं दे भी दूंगा आपको नंबर दे दूंगा। जिसके लिए न तो कोई कर्म करने का अर्थ है, न कर्म न करने का अर्थ है। जो किसी भी काम से अपने स्वार्थ की सिद्धि नहीं चाहता वही ज्ञानी है। और जो ये जानता है कि संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों यानी सत्व रजस तमस से संपन्न हो रहे हैं वह ज्ञानी है। और जो अहंकार विमूढ़ आत्मा ये समझता है कि मैं कर रहा हूं वह अज्ञानी है, कर्ता भाव नहीं। फल क्या होगा? गुण और कर्म के विभागों के तत्व को जानने वाला यह समझकर आसक्त नहीं होता कि प्रकृति के गुण गुणों में ही क्रिया करते हैं। जो कुछ बाहर से आएगा वो मेरे उसी अंश को, बाहर से आएगा वो गुणात्मक है, सत्व रजस तमस है, वो मेरे उसी अंश को प्रभावित करेगा जो सत्व रजस तमस वाला है। प्रकृति प्रकृति को ही प्रभावित करेगी। जो तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ चेतन तत्व है उसको बाहर से आने वाली कोई भी चीज प्रभावित नहीं करेगी। इसलिए जिसके सारे कर्म कामना और संकल्प से रहित है ऐसे ज्ञान की अग्नि से कर्मों को दग्ध कर देने वाला, सारे कर्म दग्ध हो गए ज्ञान की अग्नि में, जिस ज्ञान की अग्नि की बात कर रहे हैं आप। कर्म करने पर भी वह व्यक्ति बंधन में नहीं पड़ता। तरीका बता रहे जो कुछ स्वयं मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, किसी से ईर्ष्या नहीं करता। और जो द्वंद्वातीत होकर सफलता असफलता में समभाव रखता है, जो व्यक्ति, इसको भी तरह से ध्यान से देख ले, कर्मों को ब्रह्म में स्थापित करके डेडिकेशन
मैंने बताया ना पीरियड जोशी जी ने मुझे तो मंत्र दिया हुआ है डेडिकेट ऑल योर एक्शंस टू द ऑलमाइटी. तो मैंने बताया था, मैंने कहा उनसे जोशी जी से, सर मुझे तो वो ऑलमाइटी कहीं दिखता ही नहीं, किसको डेडिकेट करूं, दिखता ही नहीं. बोले दिखने ना दिखने की चिंता मत करो, तुम छोड़ दो फल को, फिर भगवान अपने आप ग्रहण कर लेगा, तुम उसकी तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो, तुमने तो नहीं पकड़ लिया कहीं, तुम तो मुट्ठी खोल दो, फिर वो जहां गिरना है अपने आप गिर जाएगा. जो व्यक्ति कर्मों को ब्रह्म में स्थापित करके आसक्ति को छोड़कर व्यवहार करता है वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल पत्र जल से लिप्त नहीं होता. जिनके पाप क्षीण हो गए हैं, ये जब पाप कह रहा तो पुण्य का क्या होगा, पुण्य का नाम नहीं लेता, लेकिन पाप में पुण्य शामिल ही है. आप कहेंगे ये अजीब बात है, पुण्य भी पाप है. हाँ, पुण्य भी जब फल की आसक्ति से किया जाता है और प्रतित्व से अहंकार पूर्वक किया जाता है तो वो पुण्य भी पाप ही हो जाता है. जिनकी सब दुविधा मिट गई और जो सब प्रकार के प्राणियों में रत है, हित में रत है, सर्वभूत हित रत है, ऐसा संयत आत्मा वाला ही शांत ब्रह्म को प्राप्त करता है. कहते महाराज ये शास्त्रों में बता रखा है कि जो सन्यासी होता है वो सारे कर्म छोड़ देता है, अग्निहोत्र छोड़ देता है, तो मैं तो सन्यास ले लूंगा. हाँ कुछ बात श्री कृष्ण कह रहे, गलत समझ रहे हो भैया, अग्नि का त्याग करने वाला यानी जो अग्निहोत्र है, सब क्रियाओं को छोड़ देने वाला योगी नहीं है, अपितु सन्यासी और योगी वह है जो कर्म फल का सहारा न लेकर केवल अपने कर्तव्य का पालन करता. सन्यासी का लक्षण दीजिए. और वो जो सन्यास की रूढ़ धारणा है कि सन्यासी वो होता है जो सिर मुंडा लेता है, भगवा कपड़े पहन लेता है, हिमालय में चला जाता है, कह रहे कुछ नहीं, कर्म के फल की आशा नहीं रही और कर्तव्य के पालन से डिगा नहीं, वही सन्यास है. देखो नई नई परिभाषाएं दे रखी है भगवान ने. हाँ ये हमने तो पहले कभी पढ़ी नहीं थी, गीता में ही मिली. मनुस्मृति में पूरी दे रखा है सन्यासी को करना वो करना, भगवान ने तो सब पे पानी फेर दिया, कुछ करना धरना नहीं, तो सारे धंधे मिटा दिए, खत्म कर दिया. मामला क्या है, सत्व रजमस रज तमस भावों से यह सारा संसार भ्रमित है, यह माया का चक्कर है. इन सबसे परे आत्मा को अव्यय जानना चाहिए. वैसा शंकराचार्य ने भक्ति का लक्षण दिया, आप भक्त इसलिए कह रहा हूं, स्व स्वरूपानुसंधानम भक्ति, अपने स्वरूप को खोजना ये भक्ति का लक्षण कर रखा है. मैं जानता पर शंकराचार्य ने ये लक्षण कर रखा है. हाँ मैं अपने असली स्वरूप को पहचानूं इसका नाम भक्ति है. अब ये तो मुझे नहीं मालूम शंकराचार्य ने लक्षण कैसे कर दिया, पर आचार्य है अब जो उन्होंने कर दिया वो हमारे लिए प्रमाण है. कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे अपने स्वरूप को, कैसे पहचानेंगे, वेदांत की चर्चा करेंगे आप अगली बार से. आता हूं उस पर. ध्यान दे भैया, योगी इस तत्व को जानकर वेद यज्ञ तप और दान का जो पुण्य पर पुण्य फल बताया गया है सबका अतिक्रमण कर जाता है. ट्रांसग्रेसेस ट्रांसेंड्स ट्रांसेंड अतिक्रमण कर जाता है उस सारे पुण्य का. सब कुछ करता है लेकिन उसके कारण से पुण्य का भी बंधन नहीं होता, वही परम पद को यानी ऐसे स्थान को प्राप्त होता है जहां से फिर दोबारा नहीं आना पड़े.
आसीन, उत माने ऊपर, आसीन माने उठ गया, सुख और दुख के ऊपर उठ गया, पाप और पुण्य के ऊपर उठ गया, इसका नाम है उदासीन। एक उदासीन नाम का संप्रदाय है, उसका यह अभिप्राय है। जो उदासीन भाव से रहकर गुणों से विचलित नहीं होता और गुण ही अपना कार्य करते रहते हैं, ऐसा समझकर अविचलित भाव में स्थित रहता है, वही ज्ञानी है। सत्यदर्शी वही है जो सभी कर्मों को सब प्रकार प्रकृति के द्वारा किए गए समझता है और अपने को अकर्ता समझता है। वो लिखा मैंने, न पाप में रहे, न पुण्य में रहे, न सुख में रहे, न दुख में रहे, ये चांडाल चौकी से बाहर हो गया। अपने आप को निर्गुण मानने वाला शरीर में रहते हुए भी जो कुछ करता है उससे लिप्त नहीं हो पाता। जो पुरुष और गुणों को अलग अलग समझ लेता है उसका दूसरा जन्म नहीं होता। जो अपने में स्थित सुख दुख को समान समझने वाला मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव रखने वाला, शब्दानुवाद करूं, प्रिय अप्रिय निंदा स्तुति में तुल्य बुद्धि रखने वाला है, वस्तुतः वही ज्ञानी है। ज्ञान की चर्चा कर रहा, मान और अपमान में समान, शत्रु और मित्र में समान, समस्त कर्तृत्व के अभिमान को छोड़ने वाला व्यक्ति गुणातीत कहलाता है। उसका अच्छा बुरा कुछ भी नहीं रहा, पाप पुण्य कुछ भी नहीं रहा, सुख दुख कुछ भी नहीं रहा, वो केवल दृष्टा ज्ञाता साक्षी रहेगा। जीवन में क्या होता है ऐसा हो जाने पर, एक लंबी सूची दी है, थोड़े से पढ़कर सुनाता हूं। अभय, उसको डर नहीं रहता, बुद्धि की शुद्धि, दान, इंद्रिय संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, परनिंदा का अभाव, प्राणियों के प्रति दया, अलोलुपता, मृदुता, स्थिरता, तेज, क्षमा, धैर्य, शुद्धि, अद्रोह, विनम्रता, हे अर्जुन, ये सब दैवी संपदा के लक्षण हैं। जीवन में ये जीवन व्यवहार में उसके क्या हो जाएगा, वो दिव्य हो जाएगा, देवी सिद्ध डिवाइन हो जाएगा, मनुष्य नहीं रहेगा, देवता बन जाएगा। अर्जुन मारने से डर रहा था, जिसमें कर्तृत्व का अहंकार नहीं है, जिसकी बुद्धि निर्लिप्त है, वह प्राणियों को मारकर भी नहीं मारता और बंधन में नहीं पड़ता। भगवान की कृपा से 9 बजे हैं, 10 बजे हैं, 1 घंटे में वाचन पूरा नष्ट हो गया। किस कर्म के करने से सुख मिलता है, किस कर्म के करने से दुख मिलता है, ये पूर्व मीमांसा है। यहाँ पर वेद रुक जाता है, पुराण रुक जाती है, बाइबल रुक जाती है। वेद कहो, पुराण कहो, बाइबल कहो, सारे का निष्कर्ष पाप और पुण्य है, ये बता रखा है, ये करेंगे तो सुख, ये करेंगे तो दुख, ये करेंगे तो स्वर्ग, ये करेंगे तो नर्क, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वेद के कर्मकांडी हो। लेकिन भारत में पैदा होने वाले धर्मों से क्या करने से सुख मिलता है, क्या करने से दुख मिलता है, इस पूर्व मीमांसा से हटकर उत्तर मीमांसा पर गए, वेद से हटकर वेदांत पर गए, कर्म से हटकर ज्ञान पर गए, तो पता चला मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं कुछ भोग ही नहीं सकता, केवल दृष्टा ज्ञाता रह सकता हूं। ये जन्म मरण के सुख दुख के
पाप पुण्य के सत्वर तमस के तीनों गुणों से ऊपर उठ गया, उदासीन हो गया, आसीन बैठा, उत्पन्न ऊपर ऊपर ट्रांसेंड कर दिया, अतिक्रमण कर दिया। ये वेदांत है जिसकी चर्चा अगले शनिवार से हम विस्तार से करेंगे। गीता तो पढ़ ली, गीता वेदांत का ही ग्रंथ है, प्रस्थानक तैयार है, लेकिन फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि गीता ने इसकी भी चर्चा कर दी, अब वेदांत में इस चक्कर में हम पढ़ेंगे नहीं। क्या करने से सुख मिलता है, क्या करने से दुख मिलता है, ये बात खत्म हो गई। समझ लिया, वेद पढ़ लिया हमने। वेदांत का वो अधिकारी है जिसने वेद वेदांग पढ़ लिया, अधीत वेद वेदांग से। तो वेद पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया, पढ़ लिया। अगर अपन ने ये जान लिया इन इन चीजों से सुख मिलता है, इन इन चीजों से दुख मिलता है, कर्म में कुशलता होनी चाहिए, आदमी को हार्ड वर्किंग होना चाहिए, कंसंट्रेटेड माइंड से काम करना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये जान लिया, वेद पढ़ लिया, वेद का इतना ही लक्षण था। ये हमने पढ़ लिया, ये वेद विज्ञान है जिस पर 9 दिन हमने चर्चा कर भी ली एक बार पहले, आप उन दिनों थे या नहीं थे मुझे नहीं आप, पर इसकी चर्चा 9 दिन हो गई है। वेद विज्ञान की चर्चा हम कर चुके हैं, अब हम वेदांत की चर्चा चालू करेंगे। इसलिए भी कि इतना जो है ये चंडाल चौपड़ी, ये चार चार वेदों का विषय है, ये गीता की विशेषता नहीं, गीता वेद नहीं है, वेदांत है। उसकी विशेषता ये नहीं है, उसकी विशेषता ये है, पहली बात। दूसरी बात, मैं 75 की उम्र को क्रॉस कर गया तो मेरे लिए तो अब संन्यास ही शरण है, ज्ञान ही शरण है। अब क्या करूंगा और क्या फल मिलेगा, नौकरी तो छुट्टी पड़ी, सर्विस तो है ही नहीं, काम तो कुछ करने को रहा ही नहीं, क्या करूंगा, अपने आप ही प्रकृति ने छुटा दिया, क्या मिलेगा, पेंशन फिक्स, ना घटती है ना बढ़ती है, बहुत बढ़िया। अब मेरे लिए क्या शेष रह गया, ये कि क्या क्या करने से मुझे क्या क्या मिला और क्या क्या नहीं करने से मेरा क्या क्या छूट गया, इस जाल जंजाल में अपने आप को मैं फंसाए रखूं, आप भी मत फंसाए रखो, डार्लियर द बेटर, ना आ जाओ कि मैंने कुछ किया या नहीं किया, ये करना ना करना मेरा अज्ञान है। मैंने तीनों काल में न पहले कभी कुछ किया था, न वर्तमान में कुछ कर रहा हूं, न भविष्य में कुछ कर सकूंगा, न मैंने पहले कभी कुछ भोगा है, न वर्तमान में भोग रहा हूं, न भविष्य में कुछ भोग सकूंगा, समझा। और मुक्ति है, जब पिया ही कुछ नहीं तो मामला ही खत्म है, बंधन कौन करेगा, जब भोगा ही कुछ नहीं तो सुख दुख कहां है, सुख दुख भी गए, बंधन भी गया, नाउ एंड हियर। मोक्ष की प्राप्ति को टलाना मत, पोस्टपोन मत करना कि कल होगी, अगर है तो अभी है और अभी नहीं है तो कभी नहीं, क्योंकि फिर आपने मोक्ष को समझा ही नहीं। अगर आपने ये समझ लिया कि मैं वर्तमान में मुक्त नहीं हूं, वर्तमान में ही मुक्त हूं, सारा बोझा ही उतर गया। ये ज्ञान की शरण में क्या आए, भगवान की शरण में आ गए, अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षिष्यामि, सारा बोझा उतर गया। हमने कुछ किया था, इतना कर पाए, इतना न कर पाए, कुछ नहीं हुआ, कुछ किया था, अच्छा किया कि बुरा किया, ये सारा बोझा इस खोपड़ी में समाया रहता है। मुझे क्या मिल गया, क्या ना मिल गया, कितना मिलना चाहिए था, कितना मिला, ये सारा तनाव इस खोपड़ी में बैठा रहता है।
ज्ञान का फल है इस सारे टेंशन से मुक्त हो जाना। मैंने कुछ किया ही नहीं था, मैंने कुछ भोगा ही नहीं था, मैं तो शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूप हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ, दानंद हूँ, अखंड मंडल आकार हूँ। किसने किसको बांधा? अज्ञान ने ही अज्ञान को अज्ञानी को बांधा था। और अज्ञान कितना भी पुराना हो, ज्ञान के होते ही अज्ञान भाग जाता है। एक कमरे में 100 साल से अंधेरा है, दीपक लाते हैं तो 100 साल का अंधेरा एक क्षण में भाग जाता है। ये प्रकाश का, प्रकाश की शक्ति है। वो प्रकाश ये नहीं कहता, महाराज जी इसमें अंधेरा तो 100 साल से था, मैं एकदम कैसे दूर करूंगा, आप रख दो देखता हूं धीरे धीरे कोशिश। नहीं, कुछ धीरे धीरे का सवाल नहीं है। दिया जलाया, अंधकार भागा, कितना भी पुराना हो, कितना भी घना हो। ज्ञान आया, अज्ञान गया, कितना भी पुराना हो, कितना भी घना हो, अंतर नहीं पड़ता है। प्रकाश को अंतर नहीं पड़ता है अंधकार को दूर कर देने में। गीता कहां भी, गीता पे निकाले थोड़ा सा। मैंने कह दिया था कि मैं ज्यादा समय लूंगा, कह दिया था ना। सवाल आपके मन में होंगे, लेकिन सवालों को मत पूछो। सवालों में जवाब नहीं मिलेगा। जो कहा जा रहा है उसे जीवन में घटाकर देखिए, जवाब जीवन में मिलेगा, वाणी में नहीं मिलेगा। करते रहेंगे सवाल, सारी जिंदगी खत्म नहीं होंगे। जवाब दिए जाते रहेंगे, मोटे मोटे ग्रंथ हुए हुए सवाल जवाब होते, कुछ फल नहीं निकलेगा। एक बात कोई कही गई है, इसे कहते श्रद्धावान लगते जाने। कही गई है, भगवान ने कही है, ठीक है गलत ये संदेह मत करो, मानो कि ठीक है और जीवन में घटाकर देखो कि ठीक है या नहीं है। जीवन में घटने पर ठीक है तो भगवान सच्चे हैं, जीवन में घटने पर अगर वचन ठीक न निकले तो कहना भगवान ने भी हमारे साथ धोखा किया। पर जीवन में घटा के देखो भाई, ऐसे सवाल जवाब मत करो। सवाल जवाब से कुछ लेना देना नहीं, कह रखा है बात खत्म हो। करिष्ये वचनं तव, अर्जुन ने कह दिया भैया मेरी समझ में आ गई है, अब जो कहोगे वो ही करूंगा। अरे योगक्षेम में के चक्कर में मत पड़ना। हाँ कह दिया था, अभी मैंने पढ़कर सुना दिया। निर्योगक्षेम आत्मवान, जो आत्मा को जानता है वो योग और क्षेम की चिंता नहीं करता। उत्तर मीमांसा ये है, पूर्व मीमांसा ये है कि योगक्षेम वाहम्यम, ये पूर्व मीमांसा है। योगक्षेम की चिंता भगवान करते हैं, ये अज्ञानी के लिए कहा है। ज्ञानी को तो योगक्षेम की चिंता होती नहीं, भगवान से क्या लेना देना। हाँ, निर्योगक्षेम आत्मवान, जिसने आत्मा को जान लिया वो निर्योगक्षेम, वो योगक्षेम से, योगक्षेम की चिंता से परे हो जाता। तो ये योगक्षेम वाम्यम ये इन्होंने लगा रखा LIC वालों ने, उन्हीं के पास जाना योगक्षेम के लिए। गीता में आने की जरूरत नहीं है, वो जाने योगक्षेम कैसे करते भगवान जाने। वो LIC वालों का काम है, हमारा काम नहीं। देखें कुछ श्लोक पढ़ लेते हैं अंत के, ताकि श्लोक पढ़ने का भी अगर कुछ पुण्य होता हो। अपने को पुण्य चाहिए ही नहीं, होता तो ठीक, न होता तो ठीक, होता हो तो भी कृष्णार्पणमस्तु। अगर गीता के पढ़ने से कोई पुण्य होता है मुझे नहीं चाहिए, वो भी कृष्ण को अर्पित है। और पुण्य नहीं होता है तो मामला ही खत्म है, फिर कोई चक्कर है ही नहीं, क्योंकि पुण्य तो बंधन में डालेगा, पुण्य आपको स्वर्ग से ज्यादा उनकी जगह नहीं ले जा पाए। सड़सठवां श्लोक पढ़ूंगा भाई। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन
न चाष्टु शवे वाच्यम न च माम योग्य सूयति। अर्जुन सुन, ज्ञान तो मैंने तेरे को सारा दे दिया पर हर जगह फैलाते मत फिरना। वो द्वारका के शोरूम ज्यादा भाषण मत देना और दो तो पहले ये देख लेना कि जिनको कहा जा रहा है वो तपस्वी है या नहीं है। तपस्वी का अर्थ सुख को छोड़ने के लिए तैयार है या नहीं। सुख को छोड़ने के लिए तैयार है तो गीता क्या करेगी उनकी? गीता तो कही रही है सुख को छोड़ना है। तो पहले तो अगर सुख को छोड़ने को तैयार नहीं है तो गीता की क्लास में न आवे। ना तपस्कायो, तपस्वी नहीं है उसको नहीं देना। ना भक्तायो, और भक्ति का लक्षण मैंने बता दिया, जो स्वयं स्वरूप का अनुसंधान नहीं करना चाहते ऐसे जो अभक्त है उनको क्या करना। यहां तो स्वयं स्वरूप का अनुसंधान कई तरीका बताया जाएगा। न चाहे शुश्रूषवे वाच्यम, और जो सुनना नहीं चाहते। सर वैसे तो इस कार्य करते जो सेवा नहीं करना चाहता, पर मैं इसका अर्थ करता हूं जो सुनना नहीं चाहता। सुनना नहीं चाहता जबरदस्ती पकड़ पकड़ के मत बैठाना। हाँ, वो खुद तो नष्ट होगा सो होगा, बराबर वाले को भी नष्ट कर देगा। न चाहे माम योद्धसूयति, और ये समझता है कि गीता की सारी बात बकवास है, ईर्ष्या करता है इससे। मत कहना उससे, उससे झगड़े में मत पड़ना। अच्छा भैया तेरा रास्ता तेरा, हमारा हमारा, हमें चक्कर नहीं है इससे। किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से बहस नहीं करनी, शास्त्रार्थ नहीं करना। और ये 68वां श्लोक, ये इदम परमम गुह्यम, सारी बातें प्रकट है, ये बात प्रकट नहीं है कि मैं भोगता भी नहीं हूं करता भी नहीं हूं। ये परम छिपा हुआ है, क्योंकि मैं तो करता समझता ही रहा हूं अपने आप को, मैं तो भोगता समझता ही रहा हूं, मैं तो ये समझता ही रहा हूं कि मैं करने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं। फिर कोई कहे तुम करने वाले भी नहीं हो, भोगने वाले भी नहीं हो, तो बड़ी गहरी छुपी हुई बात कह रहा है। ये प्रकट थोड़ा ही है, मैं प्रकट तो यही है, मैं करने वाला हूं। भक्तेश्व विधास्यति, उनके बीच में कहेगा जो अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं। भक्ति मई पराम लक्ष, उस बोलने वाले को भी परम लक्ष्य बन जाएगा अपने आप को जानना। माँ में वेश्यति असंशयम, और इसमें कोई संदेह नहीं है, वो भगवत भाव को ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे भगवान सुख दुख में विचलित नहीं होते, प्राणी मात्र के कल्याण में लगे रहते हैं, ऐसे वो भक्त भी सुख दुख में बिना विचलित हुए प्राणी मात्र के कल्याण में लगा रहे। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकृतम है भविता, न च मे स्याद् अन्य प्रियतरो भुवि। और मनुष्यों में जो इस बात को कहेगा, क्योंकि ये बात सबसे ज्यादा की, क्योंकि जो इस बात को कह रहा है वो सबसे ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है, इसलिए भगवान कहते हैं उससे वो मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रिय है। और उससे ज्यादा प्रिय कभी कोई नहीं हो सकता। आप अस्पताल खोलते हैं, रोगी की सेवा करता है, भगवान अच्छा मानता है। आप विद्यालय खोल देते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, अच्छा काम करता है, भगवान को वो भी प्रिय है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय वो है जो इस ज्ञान को दे, क्योंकि उस सबसे ज्यादा कीमती। अध्यक्षते चिगै मम धर्म्यम संवादम आवयो। कृष्ण और अर्जुन में शास्त्रार्थ नहीं हुआ, विवाद नहीं हुआ, डायलॉग हुआ है, संवाद हुआ है। जो इसे पढ़ेगा, ज्ञान यज्ञेन ते, ये ज्ञान यज्ञ हुआ भाई, उसके द्वारा इष्ट श्याम की मेमति, वह ज्ञान यज्ञ से मेरी ही आराधना कर रहा है। श्रद्धावान अनसूयश्च, जिसका विश्वास है, जो ईर्ष्या नहीं करता है, शून्यादपि जो डर है, बोलने वाले का तो कल्याण होगा सो होगा, सुनने वाले का भी हो जाएगा। सोपि मुक्त है शुभान लोकान प्राप्त यात पुण्य कर्म नाम,
सुनने वाले की मोक्ष हो जाएगी? ना, सुनने से मोक्ष नहीं होता, श्रवण से नहीं होता, श्रवण के बाद मनन करना पड़ेगा, मनन के बाद जीवन में घटाना पड़ेगा निधि ध्यास में, मोक्ष तभी होगा। लेकिन सुनने से भी इतनी गर्द तो झड़ ही जाएगी कि व्यक्ति नरक में नहीं जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा, इतना फल तो उसको भी हो जाएगा। शुभ याद यश केवल श्रवण से, सुनने से भी बशर्त सुन रहा हूं ऐसा ना हो कहीं सुन तो काम से रहा हो और विचरण मन से कर रहा हो कहीं दूसरी जगह, उसका तो कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए अर्जुन तू बता, तुमने ठीक से सुन लिया ना? कच्चि देवता श्रुतम पार्थ तो एकाग्र चित्त सा, तूने एकाग्र चित्त से तो सुन लिया, ऐसा तो नहीं कि मैं बकवास कर रहा हूँ गीता की और तुम तो सोच रहा हो कर्ण को मारूंगा तो ये बाण चलाऊंगा, द्रोणाचार्य के लिए ये उपाय करूं, ऐसा तो नहीं है चक्कर। कच्चि अज्ञान सम्मो है प्रणश अस्ते धनंजय, इसी को तो अपन ने कहा था उसके प्रणष्ट वाले को, यही है ना ये जो अज्ञान, ये देखो भोग कर्म से भोग ये अज्ञान है, वो ज्ञान है, ये तेरा नष्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये मोह, ये आकर्षण, स्वर्ग का आकर्षण कोई कम होता है क्या है? इनको आतंकवादियों को क्या सिखाते हैं ये? स्वर्ग सिखाते, मरेगा तो बहिष्ट स्वर्ग में जाएगा, वो अपनी जान ही दे देता है बेचारा। ये मोह स्वर्ग का मोह व्यक्ति को मरने से भी नहीं डरता, ऐसा मोह है ये, तेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब अर्जुन तो अर्जुन है, अर्जुन का अर्थ होता है सीधा सरल, अर्जुन का ऋजु शब्द से बना है, सरल मन वाला है, इसलिए इसने सचमुच सुन लिया है, नष्ट हो वो है स्मृति लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे ध्यान आ गया, याद आ गया कि न मैंने कभी कुछ किया है, न कर सकता हूँ, न कर सकूंगा, न मैंने कभी कुछ भोगा है, न भोग रहा हूँ, न भोग सकूंगा, ये याद आ गया मुझे तत्प्रसादा। लेकिन ये मेरे पुरुषार्थ से नहीं हुआ है, तुम्हारी कृपा से हुआ है, ये जो कुछ मिला है उसमें भी ये मानना कि मेरे परिश्रम से मिला है, ये अहंकार को जन्म देता है। जरूरी है कि गीता के ज्ञान से जो कुछ भी मिले ये न समझे कि हम कितने कितने पुरुषार्थी हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितने तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, सर्दी के अंदर उठकर यहाँ आते हैं गीता के लिए, ये कोई चक्कर नहीं है भैया, सर्दी में आओ कि गर्मी में आओ इसका कुछ लेना देना नहीं है, भगवान की कृपा से होगा जो होगा। स्थितोस्मिगत संदेह, मेरे सारे संदेह चले गए, करिष्ये वचनं तव, जो आप कहोगे वो मैं करूंगा। अब संजय बोलना चालू हो गया, संजय बोला कौन बोलूंगा? हाँ संजय, धृतराष्ट्र गीता के तीन संस्करण है, चार, एक तो गीता सुनाई कृष्ण ने अर्जुन को, एक गीता सुनाई संजय ने धृतराष्ट्र को, एक गीता लिखी व्यास ने, सुखदेव ने सुनाई या जिसने भी, और चौथी गीता मैं सुना रहा हूँ आपको। ये जितनी बार गीता सुनाई जाती है उतने बार नए अर्थ दे देती है, हाँ उसका नया एडिशन होता है। जो मैंने बोला वो मेरे से पहले किसी ने नहीं बोला था, हाँ ना वो कृष्ण ने भी नहीं बोला था, वो फर्स्ट एडिशन था। अरे पर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के तो कई एडिशन निकल गए ना, वो नए नए एडिशन निकलते, आप बोल दिया आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो आपने, तो भाई बड़ा, अब एडिशन तो एडिशन है, जरा कागज सस्ता होगा तो बेकार होगा ये अलग बात है, पर एडिशन तो एडिशन है, नया है तो है, मैं जो कह रहा हूँ वो नया तो है ही है। आपको नहीं लगता क्या मैं कहीं से रटपिट के बोल रहा हूँ क्या, ये जो बोलने जा रहा हूँ? नहीं साहब नहीं, ये तो कहीं से और से आ रहा है, भगवान जाने कहाँ से आ रहा है वो तो इस चक्कर में क्या हुआ कि ये जो कई एडिशन, अब लोग बड़ी बेहूदी बात करते हैं,
ये कैसे संभव है जी, युद्ध में दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई है, कृष्ण ने गीता बोलनी चालू कर दी तो क्या बाकी सेनाएं उस समय तक चुपचाप खड़ी रही होंगी? ये सब गड़बड़ है जी। कृष्ण ने कुछ अर्जुन को फर्जुन को नहीं कहा, ये तो व्यास जी का चमत्कार है, उन्होंने गीता बना दी है। क्या बात। अरे अगर दयानंद भार्गव ये एक घंटे में कह सकता है तो कृष्ण तो कृष्ण उसे 15-20 मिनट में कह दी होंगी। 15-20 मिनट लोग जरा घोड़े की लगाम ठीक करते रहे होंगे, रथ ठीक करते होंगे, हाथी का हौदा ठीक करते रहे होंगे, इसमें कौन बड़ी मुसीबत आई? कोई लड़ाई वैसी चालू हो जाती है क्या? तैयारी आकर खड़ी हुई है अभी तो, क्योंकि धनुष बाण संभाल रहे होंगे। इतने में ये पास ऑन कर दी उन्होंने, जैसे मैंने एक घंटे में कर दी कृष्ण ने, 5-7 मिनट में कर दी होगी। सर ज्यादा तो अरे कृष्ण तो कृष्ण है भाई, मैंने कर दिया कि नहीं कर दिया एक घंटे में? मुझे नहीं पता, पर मेरी समझ में मैंने कर दी। जागा रात भर ये पर्चियां बनाने में, जागा तो रात भर ये पर्चियां यूं ही बन जाती, पर मैं तो कर। बात कितनी सी कहनी है, बात तो इतनी कहनी है ना, तू मारने से डर रहा है। एनम वेति अंतरम यष्ट एनम मन्यतम उपभोक्ता जानित है ना यम हंति नान्य थे। दो मिनट अरे बैठो आप, बोल साहब क्या करना है? क्या करना? बात तो इतनी सी कहनी है ना भाई, तू निर्विकार है, तू ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरा, तू चेतना रूप है, तेरे से कुछ हुआ नहीं कभी भी, हो सकता नहीं, तू मारता भी नहीं, तू तो पाप किसको लगेगा, लगने का सवाल ही नहीं। बात तो इतनी सी कहनी है ना, इसमें क्या लंबा चौड़ा मामला था, कह दी गई। अब जब ये बात संजय को कहने को आई तो जरा संजय ने थोड़ा नमक मिर्च लगा दिया बीच में। व्यास, व्यास तो खैर महाकवि, अब व्यास कोई साधारण आदमी है क्या? कृष्ण का ही दूसरा रूप है, कृष्ण द्वैपायन कहलाता है। कृष्ण द्वैपायन, जब उसने कहना था निश्चित रूप से कृष्ण और अर्जुन ने गा गा करनी गाई होगी, इतनी बात तो पक्की है। ये श्लोक तो व्यास ने बना दिए, श्लोक मत पर अच्छा ही किया ना, श्लोक बना दिए तो जबानी याद है लोगों को गीता, श्लोक न बनाते तो गीता अब तक खो गई होती। हमारे कितने ग्रंथ जलाए गए इसका पता नहीं है, हमाम में जलाते थे ग्रंथ, गीता भी निकाली गई होगी गले में, लेकिन गले कंठ के अंदर रह गई क्योंकि वो पद्यबद्ध थी, गद्य नहीं याद रहा करता। तो ये व्यास की कृपा है, उसने कर दिया। लेकिन व्यास एडिटर है तो है, साहित्यकार है तो है, साधारण थोड़ा ही है। उसने उसमें और नमक मिर्च लगाया, मैंने भी छोंक डाल दिया। अच्छा काम किया कि बुरा काम किया, कर ही नहीं सकते आप। जब किसी बात को कहेंगे तो आप अपने आप को अलग थोड़ा ही रख सकते हैं, आपका व्यक्तित्व उसमें झलक ही जाएगा, आप क्या करोगे? यू कांट हेल्प इट, बशर्ते क्या आप जाग कर बोल रहे हो, सोते सोते पाठ कर रहे हो तो कुछ नहीं होता फिर, हाँ वो तो अपने आप ही निकल जाता है सम्मान। अगर आप जाग रहे हो तो कुछ ना कुछ आपके जीवन का जो सार है उसमें कहीं ना कहीं आता ही है, छाप कहीं ना कहीं आती ही है। इत्यं वासुदेवस्य, अब संजय कह रहा है, पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमम अश्रोषम अद्भुतम रोम हर्षणुले। संजय को भी रोम के खड़े हो गए, अद्भुत था, ऐसा संवाद मैंने पहले कभी नहीं सुना था, वेद में नहीं सुना था, उपनिषद में नहीं सुना था। ये कारण उपनिषद में क्यों नहीं सुना था? उपनिषद का शिष्य ये नहीं पूछता कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं, उपनिषद का ऋषि कुछ दूसरे सवाल करता है, वो कहता है दुनिया कैसे पैदा हो गई? और कथन किस्सा, तो ब्रह्म से पैदा हो गई, उत्तर मिल गया, बात खत्म, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये उपनिषद के शिष्य की जिज्ञासा ही नहीं है, उसकी तो ज्ञान की जिज्ञासा है। गीता में अर्जुन कह रहा है कि मुझे युद्ध करना है कि नहीं करना है, ये जिज्ञासा है, ये दुनिया कैसे पैदा हो गई ये जिज्ञासा नहीं है मेरी। हाँ वो प्रैक्टिकल सवाल कर रहा है, थ्योरेटिकल नहीं है, फिलोसफिकल नहीं है, प्रैक्टिकल सवाल कर रहा है, इसलिए अद्भुत है।
और इसको सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो, जा सब प्रसाद आप सुतवान है करो। इसको बार बार गुहे कह रहे हैं भैया, जरा समझ में नहीं आता है, छिपा हुआ है ये, मुझे व्यास की कृपा से मिल गया। अरे उसको दिव्य दृष्टि दे दी थी ना, तो बैठे बैठे उसको सुनाई पड़ता था, सुनाई बुनाई कुछ नहीं पड़ता था, वो कुरुक्षेत्र में ही था। आप कहो आज ही बात करो। अरे जब भीष्म पिता में मरे, महाभारत कह रही है, उसके बाद संजय कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर आया, वरना दर्शन तो वहीं विराजमान था, तो सुन ही रहा था। तो व्यास की कृपा से सुनने का क्या अर्थ हुआ? लोग तो कहेंगे व्यास ने दिव्य दृष्टि दे दी थी उसके कारण सुन लिया। संजय कह ये रहा है कि व्यास ने इसका एडिटिंग किया है, वो सुना है उसकी कृपा से। योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयत स्वयं, कही रहा है मैंने सीधे सुनता सुना कृष्ण को कहते हुए साक्षात सुना है। राजन संस्कृत के संवाद बार बार संवाद कह रहा है, भैया विवाद नहीं हुआ था। केशव अर्जुन यो पुण्यम हृष्यामी च मुहुर्मुहु, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैंने जीवन का इतना गहरा रहस्य कि सारी समस्याओं का समाधान एक ही झटके में हो जाए ये सुनने को मिल गया। तत्व संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन हश्यामी च पुनः पुनः। और वो रूप जो विराट रूप कृष्ण ने दिखाया था, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में ब्रह्म नजर आने लग जाए, वो रूप दिखाया था, उसको याद करके मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। यत्र योगेश्वर है कृष्ण है, और सब तो योगी होते हैं, कृष्ण योगेश्वर है। हमें प्रयत्न पूर्वक योग करना पड़ता है, कृष्ण के योग मुट्ठी में, योग का स्वामी है। यत्र पार्थ हो धनुर्धर है, और धनुर्धारी अर्जुन है, लक्ष्य को जानता है, चिड़िया की आंख दिखती है इसे, ये धनुर्धर है, इसने जीवन का लक्ष्य देख लिया। जीवन का लक्ष्य फिर दोहरा रहा हूं, सुख प्राप्त करना नहीं है, सुख और दुख में समान रहना है, ये चिड़िया की आंख है। तत्व श्री बस पूछो मत, मां सारी कृपा बरसती है, श्री हो जाती है, विजय हो जाती है, संपत्ति हो जाती है, सारी नीति ध्रुव रूप से आ जाती है। आपने कभी फूल को देखा क्या? फूल में ये भाव कब देखा किसने कि मैं सुंदर बन जाऊं? ये अहंकार किसी फूल में दिखा क्या? फूल को देखना और ये देखना कि फूल में ये अहंकार नजर आता है क्या? जो अहंकार मेरे चेहरे पर नजर आ रहा है कि मैंने गीता पढ़ा दी, नजर आ रहा है नहीं आ रहा? वो छिप नहीं सकता भाई। फूल को कभी नहीं देखा होगा आपने कि उसमें यह अहंकार हो कि मैं कितना सुंदर हूं, कि मैं कितना सुगंधित हूं। पहली बात, उसमें यह अहंकार नहीं है। और फूल में यह भी ख्याल नहीं है कि मेरे सौंदर्य का भोग मैं कर लूंगा। देखा क्या कभी आपने कि मेरी सुगंध से मैं प्रमुदित हो जाऊंगा? उसकी सुगंध, उसका सौंदर्य औरों के लिए है, अपने लिए नहीं है। मैंने किया है ये सब, ये उसमें अहंकार नहीं है, इसलिए फूल इतना इतना खिला हुआ है, इतना सुंदर है कि जब हमें किसी मनुष्य के शरीर की उपमा देने पड़ती है तो कहते हैं ये फूल जैसा सुंदर है। वो दो ही तो बात है, सुंदर भी है, सुगंधित भी है, उसे खबर ही नहीं है कि मैं सुंदर और सुगंधित हूं। कोई उसकी निंदा करे तो उसे सुनता है क्या फूल? कोई उसकी प्रशंसा करे तो उसे मतलब नहीं है। फूल का जीवन चरित्र भी स्पष्ट है, और उस प्रकार के जीवन जीने का जो फल होता है वो भी स्पष्ट है। फूल सुख में नहीं जीता है, आनंद में जीता है। बहुत सारी बातें कहनी थी,
कह दी जाएंगी, चिंता की बात नहीं है। अगली बार से हम लोग वेदांत को लेंगे, और जब वेदांत को लेंगे तो मैंने कह दिया पूर्व मीमांसा को छोड़ देंगे, उत्तर मीमांसा पर ही कंसंट्रेट करेंगे। और अभी किसी ने पूछा ये कैसे किया जाए, किसी ने पूछा है? काला साहब, काला साहब पूछते रहते क्लास के अलग अलग बाहर अलग होता है मामला। सर श्रवण हुआ है, मनन करेंगे, वेदांत है, और मनन के साथ निध्यासन करेंगे, जो बात अकल में आ जाए कि ठीक है, बस जब ठीक है तो उसे जीवन में घटा डालो, फिर इंतजार मत करो। ये निधि ध्यासन है ना, तब होगा। अब ये अग्र